जुड़ा हुआ है, श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ है। तो उस प्रश्न को मैं एक अलग लेक्चर में, स्पेशल लेक्चर में जो है, जब कोपेन था और त्रिवार्थ था, तीनों को समझाऊंगा, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। और अभी अभी मैंने केवल उसको थानफेट पे आपको बता दिया, तो आपका अधूरा ज्ञान होगा। तो मैं चाहूंगा कि उसको मैं आपको अलग से बताऊंगा। उसी प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, प्रवाल निरंजन पर आधारित है। प्रवाल निरंजन से आप क्या समझते हैं? तो इस पर जो है, जो प्रश्न है, ये 10 अंक का है और इस पे आपको 150 से 125 शब्द या 150 से 200 शब्द जो आपके लिखने की क्षमता है उसके आधार पे इसको आप कर सकते हैं। और जो मैंने क्या बोलते हैं अपना फ्रेमिंग की है, जो मेरा मानना है कि सबसे पहले इसमें आपको प्रवाल विरंजन क्या है, प्रवाल क्या है, प्रवाल विरंजन क्या है, उसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, उसके उपाय क्या है। तो इन 4 बिंदुओं पर आपको जो है इस पूरे प्रश्न को फ्रेम करना है। इन 4 बिंदुओं को आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले आपको बताना है, आप थोड़ा अपने ज्ञान के लिए भी जान लीजिए कि प्रवाल होता क्या है। प्रवाल या कोरल पॉलिप एक लघु समुद्री जीव होता है जो अपने चारों ओर शरीर के कैल्शियम कार्बोनेट की एक खोल बनाता है, और जब पॉलिप या मूंगा जो अंदर मर जाता है तो एक जीव दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर, इस तरह जो एक दीवार बना लेता है जिसको हम प्रवाल भित्ति की संज्ञा लेते हैं। और आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि प्रवाल भित्ति 3 प्रकार की होती है, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, प्रवाल उदित वलय। तो यहाँ पे हमारा उस टॉपिक से मतलब नहीं है। पूछा जा सकता है कि प्रवाल क्या होता है, प्रवाल कितने प्रकार का होता है, या प्रवाल उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रवाल विरंजन क्या है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हमको ये बताना है अपने क्वेश्चन में कि प्रवाल विरंजन है क्या। विरंजन का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग का। आपने सुना होगा कि ब्लीचिंग पाउडर डाल करके जो है कलर को डिफ्रैक्ट किया जाता है, कलर को हल्का किया जाता है। तो विरंजन का मतलब होता है रंग का उड़ना या सफेद हो जाना। थोड़ा टेक्निकल इसको समझते हैं कि ताप, प्रकाश, पोषण परिवर्तनीयता के कारण जो प्रवाल जीव होता है, जो पॉलिप जीव होता है, अपने ऊतकों पर, उसके जो टिश्यूज पे जो सहजीवी शैवाल होते हैं उनको छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति को या ऐसी दशा को या ऐसी प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहा जाता है। और थोड़ा सा अगर इसको आसान शब्द में कहा जाए कि अगर प्रकाश में परिवर्तन के कारण, ताप में परिवर्तन के कारण, भोजन की अनुपलब्धता के कारण अगर जो है प्रवाल क्षय हो जाता है, प्रवालों का विनाश हो जाता है, अपने जो है कलर को वो त्याग देते हैं, अपने रंग को त्याग देते हैं, तो ऐसी स्थिति को प्रवाल विरंजन कहते हैं। एक्चुअली पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो हमारे विश्व में बहुत सारे परिवर्तन हुए, उनमें से एक बड़ा परिवर्तन प्रवाल विरंजन भी रहा है। प्रवाल विरंजन इन द सेंस है, 2005 में मैंने दिखाया कि कैरेबियन सागर में क्या बोलते हैं जो प्रवाल द्वीप या वहाँ पर जो पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियाँ थी, उनमें जो है 1/2 लगभग आधे का जो है क्षय हो गया। और 2010 में भी फ्लोरिडा की जो खाड़ी है वहाँ पे प्रवालों का विरंजन हुआ, जिससे जो बहुत सारी जो है समुद्र की जो पारिस्थितिकीय समस्या उत्पन्न हुई। और ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया की अवरोधक प्रवाल भित्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, बड़ा प्रसिद्ध है, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि वहां पे जो है समस्याएं हो रही हैं। तो अब जो हमारे प्रश्न की डिमांड है, सबसे पहले हमको बताना है कि प्रवाल एक लघु समुद्री जीव होता है जो अपने चारों ओर खोल बनाता है, ठीक। और यही लघु समुद्री जीव जब अपने ऊतकों के ऊपर पड़ने वाले शैलों को, क्या बोलते हैं, शैवालों को त्याग देता है, तो उनका जो वास्तविक रंग है उससे परिवर्तित होकर के व्हाइट कलर के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को प्रवाल विरंजन कहते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो प्रवालों का क्षय होना, प्रवालों के रंग का उड़ना, उनका सफेद हो जाना, उसको जो है प्रवाल विरंजन की संज्ञा दी जाती है। अब उसके कारण पे उसके बाद इसके कारण पे चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसका समुद्र जल के तापमान में वृद्धि या कमी, नहीं समुद्र जल में वृद्धि या कमी,
आपको पता है कि तवालों को विकसित होने के लिए एक निश्चित गहराई होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर सागर तल में वृद्धि होती है तो जो आइडियल स्टेज के नीचे वाले तवाल हैं वो नष्ट हो जाएंगे, या सागर तल में जो है क्या बोलते हैं वृद्धि कमी होती है तो जो आइडियल स्टेज के ऊपर वाले तवाल हैं खत्म हो जाएंगे। तो तवालों का विकास एक आइडियल स्टेज तक ही होता है। दूसरा यह है कि जू प्लैंकटन में कमी, जो प्रवाल होते हैं उनको जीवित रहने के लिए जू प्लैंकटन्स की आवश्यकता होती है। अगर किसी स्थान पर जो है बहुत ज़्यादा अति मत्स्यन होता है तो ये दिक्कत आती है, वहाँ पर प्रवालों का जो है विरंजन होने या प्रवालों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। सौर विकिरण में या सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि, सौर विकिरण आपको पता है कि तापमान अलग चीज़ हो गई, सौर विकिरण अलग चीज़ हो गई। अगर सोलर इंसुलेशन अगर कम या ज़्यादा होता है तो भी जो है प्रवालों का क्षय हो जाता है। सागरी जल की अम्लता में वृद्धि, अगर एसिडिटी बढ़ती है, पीएच मान उसका कम होता है तो प्रवालों के जो जीवित रहने की आदर्श दशा है उसमें परिवर्तन होगा, और जब प्रवालों के जीवित रहने की आदर्श दशा में परिवर्तन होगा तो धीरे धीरे प्रवालों का वहां पर विरंजन हो जाएगा, प्रवाल अपने वास्तविक कलर को त्याग देंगे। बढ़ता हुआ अवसादन, जो कोरल जीव होता है अधिक मात्रा में अगर वहां पर सेडिमेंटेशन हो जाता है, अगर समुद्री अवसाद की मात्रा वहां पर बढ़ जाती है जिस क्षेत्र में जो है प्रवालों का विकास हुआ है तो उसके कारण भी वहां पर प्रवालों का विरंजन हो जाता है, प्रवालों का विकास नहीं हो पाता है और वह क्षेत्र जो है प्रवाल विरंजन की घटना का साक्षी हो जाता है, प्रवाल वहां पर खत्म हो जाते हैं। अगला है लवणता में परिवर्तन, जो सागरी जल में घुली हुई नमक की मात्रा होती है एक आइडियल स्टेज है कि उतनी ही मात्रा होनी चाहिए, अगर उससे कम या ज्यादा होता है तो भी प्रवालों का विरंजन होने लगता है। और सागरी जलतल में वृद्धि, वाटसन महोदय ने बताया है कि जो है अगर सागर के जलतल में वृद्धि होती है, मैंने पहले ही बताया था कि सागर जल में जो है अगर वृद्धि होती है तो भी जो है प्रवालों का विरंजन हो जाता है। अब वो इसका प्रभाव मानव जीवन पे क्या पड़ता है हम इसको देखते हैं। प्रभाव ये मैंने यहाँ पर एक किया है, और प्रभाव का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि सागरी पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होना। आपको पता है कि हमारा जो हमारी पृथ्वी है उसका एक सिस्टम है, हर पृथ्वी के हर पार्ट का, हर जो है स्थान का अपना एक इको सिस्टम है। अगर किसी स्थान पर प्रवाल द्वीपों या प्रवाल जो है जीवों का विकास हुआ है तो उन्होंने अपना एक इको सिस्टम बना के रखा है, और अगर वहाँ पर क्या बोलते हैं अगर प्रवालों का विनाश होता है तो प्रवाल से संबंधित जितने भी जीव होंगे, जैसे आप क्या बोलते हैं मछलियाँ वहाँ पे कम हो जाएंगी और बहुत सारे सागरी जीव हैं जिन पे शोध करने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से जो है फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में, खाद्य जाल में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के नष्ट होने पर दूसरे के नष्ट होने का अपने आप ही स्वाभाविक है, उसकी परिणति होगी। तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसका जो है उस स्थान का जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अभी आप जब पढ़ेंगे इसमें कि जो प्रवाल होते हैं उनसे मानव के उपयोगी कुछ वस्तुएं भी प्राप्त की जाती हैं, जैसे मूंगा रहता है, मूंगे से जो है महिलाओं के लिए आभूषण प्राप्त किए जाते हैं, उससे जो है क्या बोलते हैं आयोडीन वगैरह से जो है क्या बोलते हैं मानव की औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं। तो अगर सीमित मात्रा में इनका इस्तेमाल किया गया तो मानव के लिए उपयोगी है, लेकिन अचानक उनकी मात्रा में कमी आ जाएगी तो मानव के संसाधन के स्रोत में के रूप में भी इनमें कमी आएगी और मानव के लिए नुकसान देह होगा। फिर तीसरा वही पहले से जुड़ा हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र का बिना, सागरी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ पूरी पृथ्वी के जो है पारिस्थितिकी तंत्र और सागरी खाद्य श्रृंखला में ह्रास हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये प्रभाव होगा अगर क्या बोलते हैं किसी स्थान पर जो है प्रवालों का विनष्ट या प्रवालों का विरंजन होता है तो उससे जो है संपूर्ण सागरी पारिस्थितिकी तंत्र, उस स्थान का जो लोकल इकोसिस्टम वो डिस्टर्ब होगा, उस स्थान का क्षेत्रीय जो रीजनल इकोसिस्टम वो डिस्टर्ब होगा, और उसके साथ साथ पूरी पृथ्वी का जो है इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, और पूरी पृथ्वी का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो मानव चूंकि पृथ्वी का एक सक्रिय प्राणी है, सक्रिय सदस्य है, तो मानव के जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अब इस प्रश्न की जो तीसरी बात है कि इस प्रवाल विरंजन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते, मैंने कुल छः, चूँकि बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सवाल है, तो इसको हमको बहुत ही जो है निश्चित सीमित मात्रा में हमको अपनी बात रखनी है। सबसे पहला तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना, यानी हमारी पृथ्वी पर जो औद्योगिक क्रांति हुई है
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई है, उसका जो क्या बोलते हैं उसके जो टेम्परेचर का एनोमली हुई, तो उसके 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर पूरे पृथ्वी के तापमान को कर दिया जाए तो प्रवालों के विरंजन को रोका जा सकता है। फिर दूसरा पास्ट की मत्स्यन को प्रोत्साहन, मैंने अभी ये बताया था कारण में, तो अति मत्स्यन के कारण, क्योंकि मछलियों का और प्रवालों का सिंबायोसिस से संबंध होता है, खाद्य श्रृंखला में दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमको इस प्रकार वहां पर मत्स्यन करना है कि एक निश्चित मात्रा में पास्ट की जरूरतों को पूरा करते हुए, पास्ट के तंत्र की संभावना को ध्यान में रखते हुए, खाद्य श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए वहां पर मत्स्यन करना, सीमित मात्रा में मत्स्यन करना है, तो जो है प्रवाल द्वीपों को या प्रवालों को जो है हम वहां पर बचा सकते हैं। तीसरा है समुद्री जल में अम्लता न्यून करने के प्रभावी उपाय। अगर एक बड़ा कारण है कि जो समुद्र में जो वाटर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिकता के कारण जो है अम्लता बढ़ रही है, तो हमें पूरे वातावरण में जो है हमको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना पड़ेगा, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, साथ पूरी पृथ्वी का भी तापमान कम होगा, साथ ही साथ समुद्र जल में अम्लता की मात्रा में कमी आएगी। सागरीय प्रदूषण पर लोग बहुत सारे कारण बनता है, साधन भी प्रदूषण का कारण होता है, उर्वरक हो गए, बड़े बड़े टैंक होते हैं उनसे जो है तेल का रिसाव हो जाता है, जिसके कारण दिक्कतें होती है, तो हमको जो है सागरीय प्रदूषण पर भी रोक लगना पड़ेगा। पांचवा है प्रवाल बहुल क्षेत्रों में पर्यटन पर रोक। जो प्रवाल बहुल क्षेत्र है जहाँ पर जो है कोरल ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पर पर्यटन लोग जाते हैं, जिससे उनका वहाँ का जो नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ पे हमको उसकी रोक लगानी पड़ेगी। और सबसे लास्ट में है सागरी पारिस्थितिकी तंत्र पर सतत एवं निर्वाधि विकास के उद्यम लागू करना। हमको इस प्रकार सागरी संसाधनों का प्रयोग करना है, प्रवाल के क्षेत्रों में इस प्रकार अपने विकास की क्रियाओं को अपनाना है, इस प्रकार से संसाधनों का दोहन करना है कि वो सागरीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका जो निर्वहनीय विकास है वो हमको करना है, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अगर हमने इन उपायों को किया तो निश्चित रूप से पूरी पृथ्वी के लिए हमारे जो है बहुत ही बड़ा योगदान होगा। तो आपको इन पूरी बातों को ये आपकी कैपेबिलिटी है, आपको इसको 150 से 200 से ज़्यादा शब्दों में नहीं व्यक्त करना है और इसी फॉर्मेट पर करना है। थैंक यू। जो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत मानते हैं कि पृथ्वी पर जो है प्रवाह के कारण पृथ्वी की जो परतें हैं, पृथ्वी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके कारण पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, तो 2 प्रकार के विचारक हैं। पहला जिसका प्रतिनिधित्व कोबर महोदय करते हैं, दूसरा जो है जिसका सबसे बढ़िया सिद्धांत जो है आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा समांतरण सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं। ठीक, तो हम लोग चर्चा करें इस सिद्धांत पर, तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें कोबर से मैंने बताया कि भूसंगत की अवधारणा, तो कोबर के सिद्धांत अगर आप लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कोबर का पूरा सिद्धांत जो था भूसंगति और जड़ भूखंडों के मध्य जो पर्वत निर्माण की उन्होंने बात समझाई है, उन्होंने कहा कि पृथ्वी के धरातल पर शुरुआती क्रम में कुछ दृढ़ भूखंड थे। दृढ़ भूखंड मतलब एक ऐसा रिजिड मास, ऐसा जो है क्या बोलते हैं स्थलखंड जो अपने स्थान पर स्थिर था, और इन दृढ़ भूखंडों के मध्य कुछ जो है लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग थे, और इन जलीय भागों की विशेषता ये थी कि जो दृढ़ भूखंडों से जो नदियां निकल रही थी वो तलछटी निक्षेप इन भूसंगतियों में करती थी, और लगातार इनमें जो है निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव भी हो रहा था। तो अगर आपको भूसंगत का सामान्य सा उदाहरण या सामान्य सा मतलब ये है कि पृथ्वी के धरातल पर प्राचीन काल में ऐसे लंबे सकरे उथली भाग जो 2 दृढ़ भूखंडों या विभिन्न दृढ़ भूखंडों के मध्य थे, जिनमें छठी निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता है। अब हम लोग बात करते हैं कोबर की। कोबर एक जर्मन विद्वान थे, आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना है, सीधे सीधे आपको लिखना है कि कोबर एक जर्मन विद्वान थे जो पर्वतों की उत्पत्ति के संपूचनवादी विचारधारा में विश्वास करते थे। इनका मानना था या इनकी जो अवधारणा थी या इन्होंने जो अपने सिद्धांत में प्रयास किया कि प्राचीन दृढ़ भूखंडों तथा भूसंगतियों के मध्य जो है संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, प्राचीन दृढ़ भूखंडों और भूसंगतियों के मध्य संबंध स्थापित करके पृथ्वी के धरातल पर पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास किया।
तो जो उनकी मैकेनिज्म है उनका सिद्धांत का, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा हम हमारे पास बहुत कम सब है, बहुत कम समय सीमा है, तो सीधे सीधे हम इसकी अवधारणा पे आते हैं। अवधारणा की सबसे पहली अवधारणा है कि भूसंपत्तियां पर्वतों का पावला पालना है। पालने का मतलब ऐसा स्थान है जहां पर पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, और उन्होंने कहा है कि प्राचीन काल में जो भूसंपत्तियां थी या जिस जो श्रृंखलाएं थी, इनके चारों ओर दृढ़ भूखंड थे, जिसको उन्होंने जो है क्या बोलते हैं सीमांत श्रेणिया या जल भूखंड या कार्टोजेन या क्रेटोजेन शब्द इन्होंने जो है जर्मन भाषा में इस्तेमाल किया है। और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पूरे सिद्धांत को जो है भूसंगति की उत्पत्ति विकास और पर्वतों का निर्माण, इसको जो है तीन अवस्थाओं में उसकी जो है व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि जो उनके सिद्धांत है या अकोबर का जो सिद्धांत है उसकी विकास उसका विकास तीन अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था है जो भूसंगत की अवस्था है, वो बताते हैं कि पृथ्वी में जो है जब पृथ्वी शुरुआती दौर में जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, ठंडी होना शुरू हुई, तो शुरुआती दौर में पृथ्वी में संकुचन के कारण जो है क्या बोलते हैं दो द्रवभुंड अग्रदेश बने, और उन अग्रदेशों के मध्य जो है भूसंगतियों का निर्माण हुआ। भूसंगतियों के निर्माण में ये हुआ कि अग्रदेश से जो भी मलबा निकल रहा था वो आकर के इन जो है सकले उथले जली भागों में जाकर के गिर रहा था, और गिरने के साथ साथ इसमें ऐसा नहीं कि केवल इसका भराव हो रहा था, इसमें तली के जमाव के साथ साथ तली का अवतलन भी हो रहा था। तो ये पहली अवस्था थी जिसमें अग्रदेशों के मध्य भूसंगतियों का निर्माण होता है। भूसंगतियों के निर्माण के साथ साथ उसमें जो है मलबे का निक्षेप होता है, और मलबे के निक्षेप के साथ साथ उसके तली का अवतलन होता है। फिर दूसरी अवस्था में बताते हैं जिसको उन्होंने ओरोजेनेसिस कहा है, या पर्वत निर्माण की अवस्था कही है। पर्वत निर्माण की अवस्था में ये होता है कि जो अग्रदेशों से जब लगातार जो है मलबे का जमाव होता है, तो मलबे के जमाव के कारण जो है पीच की तली जो है नीचे नीचे धंसने लगती है। जब धंसने लगती है तो जो अग्रदेश है इसके जो अग्रदेश है जो फोर लैंड है इनमें संपीडन के कारण संकुचन के कारण जो है ये एक दूसरे की ओर क्या करते हैं खिसकते हैं, और जब एक दो की ओर सकते हैं तो जो भूसंगत के जो मध्य का जो मटेरियल है जो पार्ट है जो मलबा जमा हुआ है उसमें धीरे 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 क्या होना शुरू हो जाता है फोल्डिंग होनी या सब क्या बोलते हैं वलन होना प्रारंभ हो जाता है, और ये पर्वत के निर्माण की अवस्था है जिससे जो है पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। फिर तीसरी अवस्था में जो कहते हैं वो कहते हैं विकास की अवस्था का नाम देते हैं। उसको जो है तीसरी अवस्था को विकास की अवस्था कहते हैं। उसमें कहते हैं कि जब लगातार फोर लैंड लगातार अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकते हैं एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो धीरे 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 पर्वतों का विकास होने लगता है। उसको उन्होंने कई सारे उदाहरणों के माध्यम से अप्लेशन पर्वत के माध्यम से इसे उन्होंने जैसे हिमालय के बारे में जितने भी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं जियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं हिमालय का अभी भी विकास हो रहा है उत्थान हो रहा है। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे जो है अग्रदेशों के एक दूसरे की ओर खिसकने के कारण बीच का मलबा संपीड़ित होकर के वलित होकर के लगातार उसका जो विकास होता है, और इस तीसरी अवस्था को उन्होंने विकास की अवस्था में किया। तो मैकेनिज्म में आप देखिए आपको ये बताना है अवधारणा क्या है और पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। फिर उन्होंने जो है अपने उन्होंने एक चित्र दिया है अपनी किताब में, और उस चित्र में जो है उन्होंने जो है ये जो क्या बोलते हैं पूरी प्रक्रिया है उसके लिए कुछ जर्मन भाषा के शब्दों का इस्तेमाल किया। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि जो किनारे की जो श्रेणियां हैं जिसको फोर लैंड का नाम दिया गया है उनको सीमांत श्रेणियां या रैंक केटन कहा जाता है। जर्मन भाषा का जो शब्द है जो जर्मन भाषा में कोबर महोदय ने उनके लिए रैंक केटन, हाँ ये चित्र आपको बनाना इन तीन चित्रों के साथ साथ आपको ये चित्र बनाना भी अनिवार्य है क्योंकि कोबर की थ्योरी का मेन पार्ट है। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया है कि दो जब फोर लैंड होते हैं तो फोर लैंड के मध्य बीच का भाग ऐसा होता है जहां पर संपीड़न की शक्तियों का प्रभाव उतना नहीं रह जाता है, और वो भाग क्या करता है वो भाग जो है वहां पर जो है उत्थान नहीं हो पाता है, और उस भाग को उन्होंने श्वासित बल्ब या मध्य पिंड या मीडियन मास शब्द की संज्ञा दी है। तो इस चित्र के माध्यम से जो है हम इसको दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद एक चित्र और है जिसमें उन्होंने जो है अप्लेशियन और हिमालय पर्वत के माध्यम से जो है एक चित्र जो है उन्होंने बनाया है,
उसके माध्यम से पूरी जो है अपने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को संकुचनवादी जो की अवधारणा है भूसंगतियों के माध्यम से भूसंगतियों का स्थिति दिखाई है और भूसंगतियों के माध्यम से जो उसको दिखाया है। चूंकि ये हमारा प्रश्न बहुत ही कम शब्दों का है, 200 से 250 शब्दों का है, तो सब कुछ अगर हमने हर चीज का हमने लालच किया तो हमारे जो है ये प्रश्न अपनी शब्द संख्या शब्द सीमा से ऊपर चला जाएगा और हम अपनी बात को नहीं कह पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात यह होगी कि जो हमारे प्रश्न का तीसरा पॉइंट सिद्धांत की सीमा है, सबसे पहला उन्होंने जो बात कही है कि जो संकुचन बल है, जो उन्होंने कहा कि फोरलैंड के एक दूसरे के जो खिसकने की वजह से संकुचन बल क्या बोलते हैं उत्पन्न हुआ और उस संकुचन बल के कारण जो है मध्य का पिंड जो है मध्य का जो क्या बोलते हैं अवसाद था वो संकुचित होकर के वॉलित होकर के ऊपर पर्वतों के रूप में हो गया। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि संकुचन बल पर्वतों के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे आप हिमालय की तुलना करें तो 8,843 मीटर ऊंचा पर्वत केवल मात्र संकुचन बल के कारण ही जो है उसका उत्थान नहीं हो सकता, इतने लंबे लंबे उतने ऊंचे ऊंचे पर्वत का उत्थान नहीं हो सकता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोबर ने कहा कि जो अग्रदेश है जो फोरलैंड है वो दोनों एक दूसरे की ओर खींच सकते हैं और स्वेस महोदय ने इस बात का खंडन किया। बाद में जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, जैसे हम देखते हैं कि जब प्लेट्स की बात करते हैं तो दोनों क्या बोलते हैं दोनों किनारे एक दूसरे के ऊपर नहीं खिसकते हैं, एक किनारा स्थिर होता है दूसरा किनारा खिसकता रहता है। तो इस आधार पर भी जो सिद्धांत को जो है सिद्धांत की आलोचना की है। फिर तीसरा इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण है इनका जो सिद्धांत है उत्तर दक्षिण विस्तारित पर्वत जैसे हिमालय पर्वत हो गया, एंडीज हो गया, राकीज हो गया, इन पर्वतों का तो जो है क्या बोलते हैं पश्चिम से पूरब जो पर्वत हैं उनका तो व्याख्या करता है, जैसे हिमालय पर्वत की व्याख्या करता है और अप्लेशियन पर्वत की व्याख्या करता है, लेकिन जो उत्तर से दक्षिण विस्तारित पर्वत है जैसे राकीज हो गया, एंडीज हो गया, इनकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। तो इन बिंदुओं के आधार पर वैज्ञानिकों ने जो मार्कलाजिस्ट ने इनके सिद्धांत को नकार दिया, सिद्धांत की आलोचना की। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु थे जिनके आधार पर आज भी जो है कोबर के सिद्धांत की उपाधि तबर में सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर दक्षिण विस्तार की व्याख्या नहीं, इसमें यहाँ होना चाहिए पूरा पश्चिम विस्तार की, जो हिमा जो पर्वत है उनमें जो पूरा पश्चिम का विस्तार है उसकी व्याख्या सिद्धांत के द्वारा होती है, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा उन्होंने जो है भूसंगतियों की उत्पत्ति और उनके प्रभाव की व्याख्या उन्होंने की, भूसंगतियों के बारे में जितना बेहतरीन और जितनी डिटेल स्टडी हमको इस सिद्धांत में मिलती है वो इस सिद्धांत को अपने आप में विशिष्ट स्पेसिफिक बना देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्वत निर्माण की उत्पत्ति के जो भावी विचार हैं उसके लिए सिद्धांत ने जो है एक पूर्व पीठिका का काम किया, एक बेस लेवल का काम किया और इसी सिद्धांत की आलोचना या इस सिद्धांत से प्रभावित होकर के आगे चल करके महत्वपूर्ण जो है सिद्धांतों का निर्माण हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत आसान प्रश्न लगेगा ये, जब आप मेंस में क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर दूंगा, लेकिन अगर आपने इन चीजों का पालन नहीं किया तो आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका मेंस बहुत अच्छा नहीं होगा। तो मैं जैसे मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में समझाया है कि आपको अगर अच्छे मार्क्स पाने हैं तो आपको प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और जब आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से अगर आपने बेहतर किया है चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से और तार्किक रूप से पॉइंट वाइज